नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में, जो कि है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप। दोस्तों, ये टॉपिक अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी में है एंड काफ़ी डिबेट में है। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको इस टॉपिक को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने टारगेट फॉर आईक्यू ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम इस पर एक डिटेल वीडियो बनाते हैं, सो दैट कि स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और चूंकि अभी 2-3 दिन से ये कंटिन्यूसली सारे न्यूज़पेपर में आ रहा है, इसलिए ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से, आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, UPAPO हो गया और भी जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए मेंस के परस्पेक्टिव से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट है ही है, बट मेंस के परस्पेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम समझेंगे इसके बारे में क्या क्या इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन शुरू करते हैं। बट डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में कि क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले GM क्रॉप्स, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को समझने से पहले पहले आप समझिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते क्या है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म में उनके जो जीन हैं, जो कि DNA में जो जीन होते हैं, उनके जीन में कुछ चेंजेस जब करते हैं, ठीक है, अब जो कि इंटेंशनल होता है, जो कि हम अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है, तो उन चेंजेस को, उन जीन को हटा करके जब हम नया जीन उस पर प्लेस करते हैं, सो दैट कि हम उसमें कोई चेंज देखना चाहते हैं, तो उस चेंज के बाद वो पर्टिकुलर जो चीज़ होती है, या प्लांट हो गया, या एनिमल हो गया, या तो बैक्टीरिया हो गया, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है क्योंकि हमने उसके जीन में मॉडिफिकेशंस किए। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जैसे पुराने ज़माने में अगर देखा जाए कि पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, ठीक है, जब पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ नहीं होता था, बट बाद में क्या देखा गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पहले के ज़माने में जो डिजीजेस थी उनसे प्लांट्स को बचाया नहीं जा पा रहा था, तो उसके बाद फिर सेकंड जो स्टेज आया वहाँ पे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इन चीज़ों का यूज़ हुआ, बट ये ह्यूमंस के लिए काफ़ी हार्मफुल भी था। तो उसको लेकर के फिर एक तीसरा स्टेज, ये एडवांस स्टेज है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का, जहाँ पर साइंटिस्ट ने कुछ जो सीड्स है, प्लांट की सीड्स है, उनमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया, सो दैट कि उनमें कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं जो आ रही हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना सके, सो दैट कि हमें कुछ बेनिफिट मिल सके उन सीड से। क्या बेनिफिट है ये हम आगे देखेंगे कि उन मॉडिफिकेशन को करने से हमारे क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं कि क्या है कंट्रोवर्सी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर काम करती है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर काम करती है, उन्होंने अभी रिकमेंड किया है कि इन्वायरमेंटल रिलीज किया जाए, किसका, DMH11, मतलब कि जो मस्टर्ड की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है उनको इन्वायरमेंट में रिलीज किया, मतलब कि उसका प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए हमें। बट हुआ क्या है कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो कि एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है, उन्होंने इसको अपोज किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी इसके पर बहुत सारी स्टडीज़ जो है वो प्रॉपर पूरी नहीं हो पाई है, और हमें अभी नहीं पता है कि ह्यूमन के हेल्थ पे अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से अगर हम कोई क्रॉप ग्रो करवाते हैं तो उसको खाने से ह्यूमन की हेल्थ पे क्या इफेक्ट है, हमें इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, और इसलिए हमें इस पर और स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी इसके लेकर के अब ये सस्पेंस है कि क्या गवर्नमेंट अप्रूव करेगी नहीं करेगी, वो हम बाद में देखेंगे। खैर, हमारा काम है अभी इस टॉपिक को समझना। तो और एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि हमें ये भी अभी स्टडी करना है कि हनी बी, जो कि पॉलिनेटर्स हैं, पॉलिनेटर्स आप समझते हैं कि जो बी प्लांट्स के जो जो मेनली सीड्स पॉलिनेट करते हैं, तो उस पर क्या हनी बीज को कुछ हार्मफुल इफेक्ट हुए, क्या उन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉस पे अगर हनी बीज जो पॉलिनेट करते हैं तो क्या उन पर कुछ असर पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स हुज जीन्स आर आर्टिफिशियली मॉडिफाइड यूजुअली बाय इंसर्टिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में से जीन्स निकाल करके उन एक प्लांट की सीड में अगर कोई जीन इंसर्ट करते हैं तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है, और उससे जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होते हैं। अब किस तरह के बेनिफिट हम देखना चाहते हैं, या तो कई जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से क्या पाया गया है कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, मतलब कि अगर कहीं पे 100 किलो प्रोडक्शन हो रहा है किसी सीड्स को प्लांट करने से किसी फील्ड में, तो अगर देखा जाए तो 130 किलो
ग्रोथ हो रही है, ठीक है। कई बार ऐसा है कि टॉलरेंस टू हर्बिसाइड, कई बार कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जो हर्बिसाइड्स के डालने से जो है मुरझा के मर जाते हैं, बट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सीड से जो क्रॉप होते हैं वो हर्बिसाइड टॉलरेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कई बीमारियों को टॉलरेट कर लेते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। अगर पानी कम मिलता है ड्रॉट के सिचुएशन में तो भी वो फसल बर्बाद नहीं होती है, और न्यूट्रिशन वैल्यू भी है वो इम्प्रूव होती है। तो ये साइंटिस्ट ने पाया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के केसेस में ऐसा होता है। अर्लियर इंडिया अप्रूव द कॉमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ ओनली वन जीएम क्रॉप दैट इज बिटकॉइन। अभी तक इंडिया ने सिर्फ एक जीएम क्रॉप को परमिशन दी है जिसका प्रोडक्शन अभी होता है, जो कि है बीटी कॉटन, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो DMH11 का फुल फॉर्म है, देखिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, DMH, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 इसका फुल फॉर्म है, जो कि डेवलप किया गया है किसके द्वारा, दीपक पेंटल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया है गया है, और इन द ईयर 2002, ठीक है, तब से रिसर्च इस पर चल रही है। DMH11 वॉज क्रिएटेड थ्रू ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जीन्स को निकाल कर दूसरे जीन में इंसर्ट करने से, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व किया गया है, बर्नीस एंड बर्स्टर जीन सिस्टम, इन तीनों को कॉम्बिनेशन किया करके इस सीड को तैयार किया गया, ठीक है। DMH11 बाई क्रॉसिंग अ पॉपुलर इंडियन मस्टर्ड वेरायटी, और DMH को जो प्रोड्यूस किया गया वो किससे किया गया, इंडिया की जो मस्टर्ड वेरायटी है उसके जीन्स से थोड़ा सा मैच करके उसमें से कुछ जीन्स निकाल करके इसमें इंसर्ट किए गए, और किस वेरायटी का यूज़ हुआ है, वरुणा, ठीक है, विद एन ईस्ट, और इसमें ईस्ट यूरोपियन अर्ली हीरा ट्यू म्यूटेंट का भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो DMH11 इज क्लेम टू हैव शोन एन एवरेज 28% यील्डिंग, और DMH11 का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है उसे क्या पाया गया है कि 28% ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जो कि नॉर्मल सीड के कंपैरिजन में, जो कि वरुणा है, ठीक है। और रिसर्च किसके द्वारा किया गया था, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, ठीक है। उसके बाद GAC, जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी जो है वो, इसने प्रपोजल अप्रूव किया था 2017 में, लेकिन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको मना कर दिया था, ठीक है। उसके बाद इस पर कहा था कि और फर्दर स्टडीज़ की हमें ज़रूरत है, और स्टडीज़ किसके सुपरविजन के अंडर होगी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, ठीक है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने इस पर फाइनल कॉल अभी लेना है कि क्या इसको मार्केट इन्वायरमेंटल रिलीज़ करना अभी उचित है या नहीं है, या इस पर प्रॉपर स्टडीज़ की और ज़रूरत है, तो ये हम आगे वाले आने वाले समय में हम इसको देखेंगे, ठीक है। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ DMH11 विल सब्जेक्टेड टू द सीड, कॉमर्शियल यूज़ जो है DMH11 का वो अभी आने वाले टाइम में इसके सीड एक्ट के बेसिस पे जो है सब्जेक्ट किया जाएगा, ठीक है। देखिए अभी इसका मेनली डिस्कशन क्या है कि क्या इस पे अभी हमने जो कॉटन रिलीज़ किया है उसको, कॉटन को हम ह्यूमन कंज्यूम नहीं करते हैं, इसलिए हमें उससे बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, क्योंकि बट जब कोई चीज़ें ह्यूमन कंजप्शन के लिए रेडी होती है साइंटिफिकली तौर पे, तो उसका प्रॉपर ट्रायल किया जाता है, उसको प्रॉपरली देखा जाता है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, सो दैट कि एक ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो सेफर होना चाहिए, इसलिए हम उसका रिलीज़ प्रॉपर स्टडी के बाद ही करते हैं। और दैट इज़ वाई अभी ये डिबेट चल रहा है कि क्या गवर्नमेंट को इसको रिलीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं आपके मेंस पर्सपेक्टिव से, ये एक बड़ा पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है कि क्या एडवांटेज है जीएम क्रॉप्स के या क्या डिसएडवांटेज है जीएम क्रॉप्स के, तो हम एक एक करके उन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एड्रेस करता है फूड प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि जीएम क्रॉप्स जो है वो हमेशा पाया गया है कि जो प्रोडक्शन है जीएम क्रॉप्स जो है वो बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया DMH11 को पाया गया कि 28% ज़्यादा प्रोडक्शन वो करके देगा, वो सीड्स जो है जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं मस्टर्ड की, वो 28% ज़्यादा प्रोडक्शन देगी, तो जो फूड प्रोडक्शन है, जो फूड शॉर्टेज है वो एड्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद हायर यील्ड जो है वो ये जनरेट होगी, और फूड प्रोडक्शन जो है वो कमी नहीं होगा। उसके बाद जो रिड्यूस पेस्टिसाइड, जैसे मैंने आपको बताया कि DMH11 मस्टर्ड की जो सीड्स हैं वो जो है पेस्टिसाइड्स का उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी डिजीजेज होती हैं वो खुद ही टॉलरेंट इतनी होती हैं साइंटिफिकली, जब बनाया जाता है उन सीड्स को तो इतनी टॉलरेंट बनाया जाता है कि वो डिजीजेज से खुद ही लड़ लें और पेस्टिसाइड की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज का मतलब कि सफ़र कर ले, जैसे कि मान लीजिए ड्रॉट पड़ जाता है, ठीक है, सूखा पड़ जाता है, पानी का उतना अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती उस क्रॉप के लिए, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं वो इतने टॉलरेंट होते हैं कि अगर कम पानी भी मिलेगा तब भी वो टॉलरेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें, क्या क्या डिसएडवांटेज है, कंटामिनेशन और सीड स्टॉक, ठीक है, सीड स्टॉक का कंटामिनेशन होता है, मतलब कि जैसे अब जो सीड्स है जेनेटिकली मॉडिफाइड उसको दोबारा ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है,
एक ही बार वो प्रोडक्शन देंगे, दोबारा प्रोडक्शन नहीं देंगे, तो इससे एक कंटामिनेशन सीड स्टॉक होता है। ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट है, अभी हमें पूरी तरह से ये चीज़ें नहीं पता, इस पर हमें इसलिए हमें इस पर पूरी प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए, तब उसके बारे में हमें इसको प्रॉपरली मार्केट में इसका प्रोडक्शन और अलाउ करना चाहिए, ताकि कोई ह्यूमन हेल्थ पे कोई भी खतरा ना आए, बर्डन ऑफ फार्मर्स। जब अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो साइंटिफिकली ये बनता है, ठीक है। तो अब इस साइंटिफिकली क्रॉप्स को जो सीड्स हैं, जो बीज है, उनको कोई कंपनीज बनाएंगी, तो अब फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा कि उन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को खरीदने के लिए कंपनीज के पास अब जाना पड़ेगा और महंगी महंगी सीड्स खरीदनी पड़ेगी, जिससे कि फार्मर्स पे ऑलरेडी जो बर्डन है वो और बढ़ जाएगा, ठीक है, फाइनेंशियली। उसके बाद अभी प्रॉपर स्टडी हुई नहीं है कि इस पे क्या इसके इफेक्ट से क्या इफेक्ट नहीं है, दैट इज़ वाई इन्वायरमेंटलिस्ट ने इसको अपोज किया है, और जो सीड्स है वो रीप्लांट दोबारा नहीं हो सकती है, इसलिए भी इस पे कंसर्न दिया गया है कि इसको अभी प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए एंड अभी रुक करके इसको रिलीज करना चाहिए, जैसा ये बोला गया है इन्वायरमेंटलिस्ट द्वारा। बट अभी हम देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या इसको अप्रूव करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हमने बात की। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई रियली होप कि हमने सारे इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे बात की है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है और क्या डिटेल्स है, टाइमलाइन इवेंट्स क्या है। तो एंड वी रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। ऑलराइट, सो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।